हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इजी गार्डनिंग और इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को मैं जो पीछे मेरी जो पिछली वीडियो थी कि पिछली के केयरिंग टिप्स, वहाँ पर मैंने बताया था कि स्प्रिंग के महीने में बहुत सारे फूल आते हैं, तो ये रही उसकी रिजल्ट और इसके जो प्रमाण। एक फूल खिल गए हैं, एक खिलने के लिए बाकी है, ये एक है और भी तैयार हो रहे हैं अंदर में। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं। तो ये जो पिसलड़ी है, इसके केयरिंग टिप्स, फ्लावरिंग के समय क्या करना चाहिए आज बताऊंगा। फ्लावरिंग के समय और इसके पिछले ग्रोइंग सीजन में क्या करना चाहिए वो भी बताऊंगा। नॉर्मल वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट दे सकते हैं तो ये ग्रोथ अच्छे लेंगे। उसके बाद मैं आता हूँ कि अगर आप केमिकल भी देना चाहते हैं तो भी इजी स्टेप है। हर 15 दिन में वो वर्मी कंपोस्ट ना दे के हर एक महीने वर्मी कंपोस्ट कर दे और 15 दिन बाद एनपीके 20-20-20 ये जो खाद है ये यूज़ करिए। एक चम्मच ऐसे, एक चम्मच एक लीटर पानी में लेके मिट्टी में भी दे सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करिए तो मिट्टी अच्छे रहेंगे, अगर मिट्टी में देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं। तो एनपीके 20-20-20, एनपीके 19-19-19 और कोई भी बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र हो वो आप दे दीजिए, एनपीके वो दे दीजिए तो अच्छे ग्रोथ लेंगे। बरसात में बहुत सारे नीचे से बहुत सारे न्यू प्लांट्स निकलेंगे। अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो रिपोर्ट कर सकते हैं, पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये रूट बाउंड हो गया तो बहुत अच्छे फ्लावरिंग करेंगे। तो रूट बाउंड के लिए पॉट छोटे रखिए, मैं बड़ा पॉट 10 इंच पॉट में रखा हूँ, आप 8 इंच में भी रख सकते हैं। लोम मिट्टी कीजिए, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके साथ मैं बोलता हूँ जब फ्लावरिंग करेंगे उसके पिछली महीने मतलब स्प्रिंग के पहले आप क्या देंगे। तो जब विंटर ख़त्म हो जाएगा तभी आपको खाद डालना पड़ेगा, तभी फ्लावरिंग आने की शुरुआत होगी। तब आप क्या देंगे, तब आप एनपीके 0015 देंगे, दो बार, ज़्यादा नहीं, दो बार, एक बार मिट्टी में एक बार स्प्रे कर देंगे। वैसे ही इसका एक चम्मच, आप आइसक्रीम खाते हैं उस आइसक्रीम के छोटे चम्मच के एक चम्मच मतलब 2 ग्राम एक लीटर पानी में घुल के मिट्टी में भी दे सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ आप महीने में एक बार मिट्टी में दें और एक बार स्प्रे करें। स्प्रे करें कब, जब फ्लावर आ जाए तब स्प्रे करें, और जब फ्लावर नहीं आएंगे, फ्लावर आने की शुरुआत होंगे मतलब विंटर की ख़त्म होने के समय, आप मिट्टी में एक बार 0050 देके देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और बहुत सारे फूल आएंगे। मैं भी यूज़ किया था इसीलिए बोल रहा हूँ। उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत पेस्ट की डर रहता है, पेस्ट लग सकते हैं मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लग सकते हैं, तो इसीलिए आपको ऑर्गेनिक वे में बता रहा हूँ। मैं ऑर्गेनिक वे में आप ये नीम ऑयल दे सकते हैं 2-3 ml एक लीटर पानी में। अगर आप किसी भी कंपनी के यूज़ कर सकते हैं उसके मैनुअल्स देख लीजिए, वहाँ पर कितने ml देने की बोल रहे हैं, तो ही वो अच्छे इफ़ेक्टिव होंगे। और कभी कभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, इसीलिए आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी दे सकते हैं। यह है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मोविन, आप मोविन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि और भी कोई एग्रोमिन मैक्स है, एग्रोमिन गोल्ड है, कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों रहे। हाँ, सबसे बड़ी बात, कभी कभी ऐसी लीफ हो जाती है, ये एक पोटाश के कारण होते हैं और दूसरी कारण है कि फंगस के कारण। फंगस के कारण अगर हो मतलब बरसात के टाइम में जब पौधा ग्रोथ लेगा तब अगर आपकी फंगस लग गई तो ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, हमें फंगिसाइड यूज़ करने पड़ेंगे। आप साफ फंगिसाइड, ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो यूज़ कर सकते हैं, 2 ग्राम एक लीटर पानी में। आप रिडोमिल गोल्ड यूज़ कर सकते हैं, आप एंट्राकॉल यूज़ कर सकते हैं,
और भी बहुत सारी कंपनी के बहुत सारे फंगिसाइड है वो यूज़ कर सकते हैं, वो इफ़ेक्टिव रहेंगे। तो ये जो फ्लावरिंग है आप देख सकते हैं कितने सुंदर फ्लावरिंग है, करेंगे सब फ्लावरिंग करेंगे तब एक बार शॉर्ट्स बना के आप सब लोगों को दिखा दूंगा, इसीलिए आपको चैनल पे बने रहने पड़ेंगे। नॉर्मल सी केयर है, मतलब आपको एक बार में समराइज करता हूँ, हर 15 दिन में ग्रोइंग सीजन में, मतलब स्प्रिंग छोड़ के हर बाकी समय में आपको हर एक महीने में एक मुट्ठी करके गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दे देंगे। दूसरी बात, हर 15 दिन में केमिकल के लिए NPK बैलेंस्ड यूज़ करिए। तीसरी बात, आप फ्लावरिंग के समय 0050 यूज़ करिए। चौथी बात, फंगिसाइड 15 दिन बाद यूज़ करिए, 15 दिन बाद यूज़ करिए, जो भी फंगिसाइड हो आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरी बात पेस्ट के लिए, चौथी बात पेस्ट के लिए आप पेस्टिसाइड यूज़ करें, किसी भी नीम ऑयल और कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड आप यूज़ कर सकते हैं, पर मैं केमिकल रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा पेस्ट नहीं लगता। तो नीम ऑयल देते रहिए, अच्छे रहेंगे प्लांट। तो ये रही आज की जो केयरिंग टिप्स, मतलब फ्लावरिंग के लिए मैं दिखाया आपको, फ्लावरिंग आया है मेरे प्लांट में, मैं बोला था कि पिछले वीडियो में कि फ्लावरिंग जब आएंगे तब दिखाएंगे, और भी एक बार जब सब फूल खिल जाएंगे तब एक बार वीडियो करके मतलब शॉर्ट्स की तरह दिखा देंगे। आज के लिए इतना ही, अच्छे रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। ये मेरा छोटा सा गार्डन है, आप देख सकते हैं, शाम की वक्त हो गई है। तो तब तक के लिए ओके भाई, अच्छे रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।